हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल सिलिनिका सिस्टर्स में। तो फ्रेंड, आज का वीडियो हमारा कोन पर बेस्ड है। एंड अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी कीजिए। तो फ्रेंड, घर में कोई जब फंक्शन होता है तो कोन बजती है, क्या करें इनका? एंड फ्रेंड, इनको रख भी नहीं सकती कि वो ख़राब हो जाती। तो चलिए फ्रेंड, आज हम एक नया आइडिया देखते हैं कि बची हुई कोन में जो मेहंदी रहती है उनका हम क्या कर सकते हैं। वी यूज़ पॉली बैग, कोई भी पॉली बैग ले सकते हैं आप, जो भी आपके पास हो। थोड़ी सी हार्ड होनी चाहिए। नाउ फ्रेंड, अभी हम पॉली बैग की स्क्वायर पार्ट कटिंग करेंगे इस तरीके से। अब फ्रेंड, हमने जो स्क्वायर कटिंग की है उसको मिड पार्ट से फोल्ड करेंगे इस तरीके से। नाउ इसको हम फोल्ड करेंगे राउंड शेप में इस तरीके से। एंड ये हमारा कॉन शेप रेडी हुआ। एंड देन फ्रेंड, हमारा जो ओपन पार्ट है उस साइड से हम इसको टेपिंग करेंगे। और इस तरीके से हमने इसको टेपिंग किया कॉन को। और जो हमारा लोअर पार्ट लिप पार्ट है उस पर भी हम इस तरीके से टेपिंग करेंगे। फ्रेंड, हमको ध्यान देना है कि निप पार्ट पर अच्छी तरीके से टेपिंग होनी चाहिए। तो फ्रेंड, हमारी कोन रेडी है। नाउ हमारा नेक्स्ट स्टेप, कोन कटिंग। तो फ्रेंड, हमारी जो यूज़ की हुई कोन रहेंगी उनको हम कटिंग करेंगे। एंड उनमें बची हुई जो मेहंदी है उनका रिफिल करेंगे, जो हमने कोन बनाई है उनमें। इस तरीके से हम कोन में मेहंदी को रिफिल कर लेंगे। तो फ्रेंड, हमारी ये न्यू कोन रेडी हो गई है। तो फ्रेंड, इस तरीके से हम सारी कोन रिफिल कर लेंगे और जो बची हुई कोन है उनकी सारी मेहंदी को हम अपनी बनी हुई कोन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इस तरीके से फ्रेंड, हमारी सारी कोन फिल हो गई है। नाउ फ्रेंड, हमको पुशिंग करेंगे। तो इसको हाथ में लेंगे हम, इस तरीके से पुश करेंगे। देन फ्रेंड, हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कोन का जो अपर पार्ट है उसको बंद करना। तो हम इसको टू वे से बंद कर सकते हैं। फर्स्ट हम इसको इलास्टिक से बंद कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इलास्टिक वे में ये बेनिफिट है कि हम इसको दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट फ्रेंड, हम इसको टेप की हेल्प से बंद कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे, देन हम टेपिंग कर देंगे। तो फ्रेंड, हमारी ये कॉन रेडी है। तो फ्रेंड, ये था हमारा आज का आइडिया। एंड फ्रेंड, इससे हमें ये बेनिफिट रहता है कि कॉन हमारी बहुत बार, जैसे कोई फंक्शन होता है तो काफ़ी टाइम पर बच जाती, तो उस मेहंदी को फिर हम यूज़ नहीं कर पाते, उनको फेंक नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से हम मेहंदी को रीस्टोर कर सकते हैं एंड कोन को हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड। एंड फ्रेंड, अगर हम इनको यूज़ करते हैं तो एक चीज़ ये ज़रूर ध्यान रखिए कि जो हम कोन को कट करते हैं तो उधर से हम टेपिंग करके रखें तो मेहंदी हमारी ख़राब भी नहीं होती। एंड फ्रेंड, इस तरीके से हम कोन को रीयूज़ कर सकते हैं एंड मेहंदी की क्वालिटी भी ख़राब नहीं होती है। जो कलर रियल कलर रहता है वही कलर आता है। तो फ्रेंड, मुझे तो ये तरीका बहुत ही बेस्ट एंड बेस्ट लगता है। फ्रेंड, आप भी इस तरीके से मेहंदी को रीस्टोर कर सकते हैं एंड किसी भी फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आज का वीडियो यहीं पर कम्प्लीट हुआ हमारा। तो फ्रेंड, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और खूब सारा प्यार देते रहिए फ्रेंड्स। एंड और भी नए आइडियाज़ के लिए फ्रेंड, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।